है जो जिन्होंने इंडस्ट्रीज में इतना कुछ नाम रोशन किया है शहर का, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप जो है शहर से दूर रह के इतना कुछ किया है, लोगों के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? सर, लोगों के लिए यही प्रेरणा देना चाहेंगे कि लोग यहाँ से निकलें, मुंबई आएँ, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लें और काम अच्छा करें, मेहनत करें, मेरे से काम करें तो ईमानदारी का फल अच्छा मिल जाता है। अभी अपने यहाँ से गए, काफ़ी स्ट्रगल किया हम लोगों ने और धीरे धीरे किसी सीरत में नाम मिलते मिलते फिल्में मिली, आज की पट्टी की नया नंबर है जो थोड़ी अलग टाइप की है, क्योंकि एक तरह से बायोपिक है और उनकी जीवन शैली को बताती है जो एक बड़ी ईमानदार शैली है। हम लोग भी कोशिश करते हैं थोड़ा सा उस तरह से रहें और मैं यही चाहूँगा कि यहाँ के जो भी लोग हैं, हमारे यहाँ के खासकर बच्चे जो हैं अभी पढ़ रहे हैं और मीडिया में आना चाहते हैं, वो थोड़ा अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके मीडिया में आए तो बहुत अच्छा चल जाएंगे। हम लोग को शायद उतना स्कोप नहीं मिला था लेकिन हमने कोशिश की और डेफिनेटली आज अच्छा काम कर रहे हैं। कितने वर्षों से आप कार्यकर्ता में? मैं सर यहाँ से 1998 में गया था बॉम्बे और मुझे ऑलमोस्ट 20 साल हो गए। 20 साल में मैंने बहुत सारे टीवी शोज किए जिसमें लाडो, काली, गुनाहों का रिश्ता, भास्कर भारती, बहुत सारे सीरियल्स हैं। मुझे IT अवार्ड भी मिला बेस्ट फोटोग्राफी का, वो भी मैंने किया। तो काफ़ी शोज हैं सर जो कर रहा हूँ मैं, कुछ फिल्में हैं जो कर रहा हूँ। इलाहाबाद से आप जुड़े हैं, इलाहाबाद में भी शूट कर रहे हैं, तो इलाहाबाद के लिए जो है क्या कुछ संदेश देंगे? संदेश यही रहेगा कि इलाहाबाद थोड़ा सा अच्छा डेवलप हो जाए। आज हमारे CM कोशिश भी कर रहे हैं सर कुछ अच्छा काम करने के लिए और यहाँ भी कोई एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट बन जाए और मीडिया के लोग यहाँ भी आना शुरू करें। और मैं यही चाहूँगा कि हमारे इलाहाबाद चूँकि बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी शूटिंग्स होती है, ये मेरी दूसरी फिल्म है जो मैं इलाहाबाद में कर रहा हूँ, तो मैंने ये महसूस किया कि अगर यहाँ आके शूट करते हैं तो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड